नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। हम बिगनर्स के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जो व्यूअर्स नहीं देखना चाहते वो कृपया स्किप कर सकते हैं एक मिनट के लिए। फ्रेंड्स, आपके अंदर अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस से। आज हम नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस की बात नहीं करेंगे। पेशेंस होनी चाहिए आपके अंदर। इन्वेस्टमेंट इज ए बिजनेस ऑफ पेशेंस। अगर राकेश झुनझुनवाला जी 20 वर्ष तक टाइटन के शेयर को नहीं रखते तो क्या वे इतने पैसे कमा सकते थे? इन शेयर्स की समय में टाइटन बहुत बार ऊपर नीचे भी गया होगा, लेकिन उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था। दूसरी एग्जांपल अमेजॉन की है। इसके प्रमोटर ने 9 वर्ष तक लगातार घाटा सहन किया। आज देखिए कंपनी कहां पर है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस और पेशेंस दोनों जरूरी हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो दोस्तों, आज हम शेयर जो लेके आए हैं वो लार्ज कैप आईटी कंपनी का शेयर है। डेट फ्री है, किसी तरह का कोई कर्जा नहीं है। बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है। बाजार के जानकार ऊंचे दाम बोल रहे हैं, बहुत ऊंचे दाम बोल रहे हैं। पोर्टफोलियो शेयर है, निगाह बना के रखिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो आप इनको लाइक कर सकते हैं। आपकी लाइकिंग हमें अच्छी लगती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड के शेयर पर। बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल्स एंड प्राइस वैल्यूएशन पर चर्चा करेंगे। परसिस्टेंट सिस्टम्स कंपनियों को अपने व्यवसाय को लागू करने और आधुनिक बनाने में मदद करने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और रणनीतिक सेवाएं प्रदान करता है। इसके पास प्री बिल्ट इंटेग्रेशन और एक्सेलरेशन के साथ साथ अपना खुद का सॉफ्टवेयर और फ्रेमवर्क भी है, इसका खुद का है। इसके मेन पॉइंट्स देख लेते हैं क्या है कंपनी के। कंपनी निम्नलिखित के लिए पूर्ण डिजिटल इंजीनियरिंग समाधान प्रदान करती है। ए, उत्पाद और प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग। बी, सीएक्स और डिजाइन नेतृत्व परिवर्तन। सी, क्लाउड सक्षम एंटरप्राइजेस आधुनिकीकरण। डेटा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई, बुद्धिमान स्वचालन। ब्रांड की ताकत है। परसिस्टेंट को 2020 में सबसे तेजी से बढ़ने वाला भारतीय आईटी सर्विस ब्रांड नॉमिनेट किया गया था। काफी पॉपुलर कंपनी है दोस्तों, अच्छे रिटर्न देती है कंपनी। बीएफएसआई क्लाउड बैंकिंग और बीमा समाधान जैसे ऋण प्रबंधन, दावा प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवा, मोबाइल स्वास्थ्य सेवा जैसे उपकरण, इंकार और राजस्व प्रबंधन, अन्य सॉफ्टवेयर और नवाचार सेवाएं देती है कंपनी की प्रेजेंस भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी आदि सहित 21+ देशों में है। नॉर्थ अमेरिका से 80%, यूरोप से 9%, भारत से 10% और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 1% का रेवेन्यू आता है। कंपनी के 375+ ग्राहक हैं। 20 ग्राहकों से 51% तक का रेवेन्यू आ जाता है। ऑर्डर बुक है Q3 FY24 तक। वार्षिक अनुबंध मूल्य 392.10 मिलियन अमेरिकन डॉलर था। कंपनी AWS, IBM, सेल्सफोर्स, रेड हैट, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल क्लाउड आदि जैसी प्रमुख आईटी कंपनीज की साझेदार है। मार्केट कैप 80,315 करोड़ है। लार्ज कैप कंपनी है। डिविडेंड 0.51% देती है कंपनी। रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाइड 29.20% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 24% है। फेस वैल्यू ₹5 है। कंपनी डेट फ्री है। पिछले 5 वर्षों में 26.90% की सीएजीआर से प्रॉफिट ग्रोथ दी है। कंपनी की औसत बिक्री है जो पिछले 10 वर्षों की तुलना में 17.40% अधिक है। इसका कोई कॉन्स्टेंट नहीं है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है कंपनी में।
हम क्वार्टर वन FY25 के रिजल्ट्स भी देखेंगे। कंपनी के रिजल्ट से ही पता चलता है उसकी बैकग्राउंड क्या है। जून 23 और जून 24 में सेल है जो 2321 करोड़ से बढ़कर 2727 करोड़ हो गई। ओपीएम 16% से 17% हो गया। नेट प्रॉफिट 229 करोड़ से 306 करोड़ हो गया। 14.86 रुपए ईपीएस थी जो 19.90 रुपए हो गई। तो दोस्तों सेल, ओपीएम, नेट प्रॉफिट तीनों ही अच्छे बढ़े हैं, अच्छी ग्रोथ है। FY 23 में नेट प्रॉफिट 921 करोड़ था जो FY 24 के अंदर 1093 करोड़ हो गया। कंपनी तिमाही दर तिमाही, साल दर साल अच्छे रिजल्ट्स दे रही है। शेयर कैपिटल 77 करोड़ है, रिजर्व 4881 करोड़ है, बोरिंग 451 करोड़ है। डेट फ्री कंपनी है लगभग। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 34 करोड़ है। इन्वेस्टमेंट भी 827 करोड़ की है। कैश फ्लो प्लस 196 करोड़ है, हेल्दी है, अच्छा है, काफी अच्छा है। प्रमोटर होल्डिंग 31.2% है, बहुत है। आईटी कंपनियों के लिए 31.2% भी अच्छी होती है। FII 22.55% है, DII 28.23% है। तो दोस्तों अगर हम देखें तो 50-51% तो इसके अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की ही भागीदारी है। FII की है 22.55% और DII की भी 28, घरेलू फंड्स की भी 28.23% है। तो इनके पास तो डेटा एनालिसिस करने वाले CAs होते हैं और कॉस्ट CAs भी होते हैं। बैलेंस शीट स्टडी करके बहुत ध्यान से ये लोग पैसा लगाते हैं। ये म्यूचुअल फंड्स वगैरह की अगर आप वर्किंग देखेंगे तो बहुत सोच समझ कर ये पैसा लगाते हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जिसके अंदर 51% तक की इक्विटी क्वालिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की हो। पब्लिक के पास 17.51% की इक्विटी है। दमदार फंडामेंटल्स हैं, बिजनेस मॉडल भी अच्छा है और दमदार फंडामेंटल्स। अब हम प्राइस वैल्यूएशन पर चर्चा करेंगे, इस पर बाजार जानकारों की हेल्प भी लेंगे। आज दाम 5180 रुपए है, मार्केट चल रही है। 52 वीक हाई एंड लो 5264 रुपए और 2561 रुपए है, लगभग अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। ईपीएस 76 है, पी 68 है और सेक्टर पी 42 के करीब है। परसिस्टेंट सिस्टम ने SBI के साथ मिलकर AI इनबिल्ट बैंकिंग एडवांस्ड सॉफ्टवेयर बनाया है। ये एक बड़ा कदम है इसका। इसे 5500 रुपए तक के लक्ष्य के लिए खरीदें, ऐसा बाजार के जानकार बोल रहे हैं। कंपनी ने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम किए हैं, आने वाली तिमाही में नेट प्रॉफिट पर इसका रिजल्ट दिखेगा, असर दिखेगा। 3 महीने में 48% और 1 वर्ष में 100% की इसने रिटर्न दी है, जो बहुत अच्छी है। 100% की रिटर्न, 1 साल में दुगने हो गए पैसे। 29 विशेषज्ञ इसको कवर कर रहे हैं, 18 खरीद के पक्ष में है। BSE कोड है जो इसका 533179 है, 533179 है। 1 साल की फोरकास्ट 6142 रुपए है और 5 साल की 10582 रुपए है। 1 साल की फोरकास्ट 6142 रुपए काफी अग्रेसिव है, अच्छी है। और जो 5 साल की 10582 है ये रिवाइज्ड हो जाती है अगर कंपनी कवर करती है तो। तो दोस्तों इसकी फोरकास्टिंग भी काफी अच्छी मानी जाएगी। आप इस शेयर को सिप के माध्यम से भी जोड़ सकते हैं। हमारी टीम का अनुमान है यह शेयर 2 वर्ष में 9000 रुपए तक जा सकता है। तो कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। तो हमारी ये रिपोर्ट थी दोस्तों आज इस लार्ज कैप IT कंपनी पर। आप हमारा वीडियो पेशेंस से देखते हैं, सुनते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।